वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीके स्पेशल क्लासेस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर हाल में एक फैसला आया था, उसके बाद आज हम बात करेंगे दहेज उत्पीड़न को लेकर कि दहेज उत्पीड़न पर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और बात हो रही थी कि दहेज उत्पीड़न के मामले में जो लोग फंसा दिए जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दी है और ये कितना सही है इस पर आपको टिप्पणी करना है कि दहेज उत्पीड़न में किसी का नाम भी अगर आप लिख करके दे देते हैं तो पति के अलावा भी ससुराल पक्ष के सारे लोग जेल चले जाएंगे। पहले वाली व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर पहले एक परिवार कल्याण समिति होगी जो जांच करेगी और जांच के बाद ही वो निर्णय हो पाएगा कि कौन सही है या गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का उनका अधिकार नहीं है, बल्कि ये जो अधिकार है ये पार्लियामेंट का है, विधायिका का है, और वो इस पर हस्तक्षेप करना नहीं चाहती है। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा इस पर हम बात करेंगे। पहले जजमेंट क्या था और वर्तमान में जजमेंट क्या आया है और आईपीसी की कौन कौन सी धारा इसमें प्रभावित होगी, कैसे इसका दुरुपयोग हो सकता है, पुलिस को क्या अधिक ताकत मिल गया है, सारी चीज़ों पर हमारी आज नज़र होगी। और झारखंड लोक सेवा आयोग और बीपीएससी आईएएस के मुख्य परीक्षा के लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दहेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट जो हुआ है सितंबर में, इसके क्या मायने होंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम आपको कुछ बता दें, डेटा इसमें हमारे पास जो आया है, डेटा है कि न्यायाधार एनजीओ ने एक याचिका दायर किया था कि पुलिस को पहले वाली जो ताकत थी वो दी जाए, और तीन सदस्यों की बेंच बैठाई गई थी जिसमें वर्तमान सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी, एएम खानविनकर और डीवाई चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जो जांच कर रही थी इस पूरे मामले की। दहेज उत्पीड़न केस में फिर से पति और ससुराल वाले दोनों गिरफ्तार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जुलाई महीने में एक जजमेंट दिया था कि परिवार कल्याण समिति बनाई जाएगी और ये दो जज वाले टीम ने दिया था, इसलिए तीन जज वाले ने इसको बदल दिया इस फैसले को, और ये बताया कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा, कोर्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं चाहती है, कोर्ट चाहती है कि हस्बैंड और वाइफ मिल करके रहें और वो कानून का दुरुपयोग भी नहीं हो, ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों चीज़ कह दिया। अदालत किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जांच में एजेंसियां प्रभावित हो जाती हैं, अदालत नहीं होती है। 2017 में एके गोयल और यू ललित ने, एके गोयल एवं यू ललित ने अपने जजमेंट में कहा था कि आईपीसी की धारा 498 के ए का दुरुपयोग हो रहा है दहेज वाले मामले पर और इसे रोकने की ज़रूरत है। परिवार कल्याण समिति बनाई गई थी इसी कमेटी के रिपोर्ट के बाद में, जिसे एक महीने का अधिकार दिया गया था कि एक महीने के अंदर वो जांच करे, जांच करने के बाद ये बताए कि कौन सही बोल रहा है और उसके बाद गिरफ्तारी हो। अब देखिए, अभी वर्तमान में सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, तो इसका 41A मौजूद है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल आता है और ट्रायल भी होता है इसमें, आरोपी के परिवार की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये भी बताया गया है, जमानत लोग ले सकते हैं। अब आपको हम पूरा मामला चलिए समझाते हैं, तो फैक्चुअल बात थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अजीब सी उलझन है। उलझन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत में सर्वोच्च संस्था है और पार्लियामेंट कानून बनाने वाली संस्था है। सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कि संसद जो कानून बनाती है उसकी एक एक पहलू की जाँच करे और लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी को ला करके उसके कोई अंश अगर गलत है, इरिलेवेंट है, तो उसे समाप्त कर दे। ये भी एक ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास में, पूरे कानून को भी समाप्त कर सकती है। दहेज के मामले में
2017 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दो सदस्यीय खंडपीठ ने, उसमें ये बताया था कि दहेज में दुरुपयोग होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर वाइफ हस्बैंड में लड़ाई होता है और वाइफ जाकर के कंप्लेंट कर देती है कि मुझे सताया जा रहा है, भले उस परिवार का कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता हो, लखनऊ में रहता हो, दूसरे शहर में रहता हो। तो पुलिस को इतना अधिकार मिल गया था कि वह अरेस्टिंग सारे लोगों की करेगी, 498 का ए आईपीसी की धारा है। लेकिन एससी एसटी का जो मामला था, एससी एसटी के मामले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जल्द ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं वो एससी एसटी में जांच होगा पहले और फिर गिरफ्तारी होगी, इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। इतना प्रेशर पड़ा कि हमारी जो सरकार है पार्लियामेंट में, उसने कानून पास किया फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट पर एक प्रेशर है कि उसके हर जजमेंट से कहीं ना कहीं लोग नाराज हो जा रहे हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो आस्था है वह थोड़ी टूटने के कगार पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार जजमेंट दे देती है फिर पार्लियामेंट दबाव में आकर बिल पास कर देती है। दहेज में ऑलमोस्ट यही चीज़ हुआ है, जिस प्रकार से एससी एसटी कानून को रिवर्स बैक किया गया, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं से इसको रिव्यू कर लिया और ये कह दिया कि पुरानी जो व्यवस्था थी जिसमें पुलिस के पास ताकत था वही ठीक है, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये अधिकार ही नहीं है कि हम नया कानून को लागू करें। अब ये गेंद पार्लियामेंट के पाले में चला जाता है। ऐसे में जो मतलब दहेज वाला जो मामला था, इसमें अब सरकार को लगेगा कि सरकार कानून कैसा बनाए और जो कानून बनाएंगे वह क्या जनता को स्वीकार्य होगा। दोनों स्थितियां आपको समझाते हैं। भारत में बहुत कोशिश करने के बाद, एथिक्स आइडियोलॉजी को पढ़ाने के बाद, मॉरल एजुकेशन को आगे लाने के बाद भी किसी भी सूरत में दहेज वाला मामला कम नहीं हो रहा था। किसी भी जाति धर्म में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, घर से निकाल दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और सारा कुछ होता है दहेज के लिए। और इसको अगर रोका जाए, परिवार कल्याण समिति जैसे बना दिया गया था, तो उसमें क्या हो रहा था कि वो जांच करेगा, जांच प्रभाव में आ सकता है और ऐसे में जो दहेज लोलुप लोग थे वो बच सकते थे। दूसरी ओर दहेज में आमतौर पर देखा गया है कि कानून का मिसयूज बहुत होता है। एक व्यक्ति की गलती है घर में, लेकिन सारे लोगों का नाम डाल दिया जाता है और फिर पुलिस उन्हें परेशान करना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस के पास ताकत आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए जजमेंट दे दिया था। अब यहाँ पर बैलेंस कैसे किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 41 का जो ए है उसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन अधिकार अल्टीमेटली पुलिस के पास चला गया, तो ये मामला फिर से तूल पकड़ सकता है आने वाले समय में। दहेज पर रोक लगाने के लिए मॉरल एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। एथिक्स आइडियोलॉजी सिर्फ पुस्तक तक नहीं हो, हाल में जैसे CBSE ने बोला कि जो सिलेबस बनाया जाता है, आप भी देखते होंगे जब आप स्कूल जाते होंगे तो दुनिया भर का प्रोजेक्ट करना है, कभी हरा कपड़ा कभी लाल कपड़ा पहन के स्कूल जाना है, उसका उद्देश्य क्या है, इतना प्रोजेक्ट, दिन भर ट्यूशन क्लास 8 घंटे का, हम एक अच्छा नागरिक पैदा नहीं कर पा रहे जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, जो व्यक्ति समाज के बारे सोचे। जब वो व्यक्ति 20-22 वर्ष का होता है तो एन केन प्रकारेण वह पैसा कमाने में लग जाता है, कैसे भी करके पैसा कमाना है। तो ये सिर्फ एक सोच से ही चेंज हो सकती है, कानून बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। और ये हमारे संविधान में भी रखा गया था कि बहुत से जगह पर हमारे संविधान ने खुद को कॉन्स्टेंट और न्यूट्रल कर दिया है, और इसका अर्थ था कि हमारा जो संविधान होगा उसमें ये विचार किया जाएगा कि चलिए हमारा जहाँ जहाँ पर लूपहोल्स है, जहाँ जहाँ पर दिक्कत होगा इन फ्यूचर, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये आपको अपने आंसर में लिखना है और अंत में कंक्लूजन जरूर लिखना है, बिना निष्कर्ष का कोई उत्तर होता नहीं है। तो हमारे साथ आप जुड़ेंगे और इस पर जो कुछ भी आपको टिप्पणी करनी है, अभी तो बहुत आसान है, आप कीपैड गूगल का खोलिएगा और उसमें बोलने से सारा कुछ लिखा जाता है हिंदी में या अंग्रेजी में, और आप बोल करके भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ख़ास करके IAS परीक्षा में
समसामयिकी विषय जो होता है वही इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ना कि फैक्चुअल पूछे जाते हैं। तो थोड़ा फैक्ट्स बता करके और जो मूल कॉन्सेप्ट है उस पर विचार ज़्यादा करना। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और हम अच्छे अच्छे जगह से, लोकेशन से आपको आपके काम का वीडियो बताते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।